तरीका है उसे डिस्क्राइब करना, लेकिन बहुत सारे इमोशंस आते हैं इस कैरेक्टर को प्ले करके, और बहुत भारी कैरेक्टर है. और रोज़ जब मैं निकलता हूँ स्टूडियो से तो कुछ मजाकी चीज़ें करनी पड़ते ताकि इसको छोड़ दूँ कमालिस्तान स्टूडियो में, उसको निकल के घर आ जाऊँ अपने फैमिली के साथ. तो टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, बहुत इमोशनल होता हूँ मैं. इमोशनल कैरेक्टर है, बहुत लेयर्स है इस कैरेक्टर में, और एक भारी सी फीलिंग रोज़ आ जाता है इसको प्ले करके, इसको निभाते हुए. तो जी, आप सही बोल रहे हैं कि बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर है. ओके, पूरा इस तरह का शो कभी आया नहीं है ना. अमूमन हम विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हम सास बहू और ये सब देखते हैं, एक अलग तरह की कोशिश है. इस कोशिश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और क्या आपको लगता है कि काफ़ी देर हुई इस तरह के शब्द को चुनने छूने. खैर, मैं अगर एक मेरे मैं एक ऑडियंस के हिसाब से अगर बात करूँ कि मैं खुद एक ऑडियंस हूँ, तो मेरे ख्याल से जी हाँ, बिल्कुल देर हो गई है. बहुत सालों से हम एक ही तरीके के शोज़ देख रहे हैं, और इस जो फॉर्मेट है हमारे टेलीविज़न पे, इसने भी सेट किया है स्टार प्लस ने. अगर आप देखा जाए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जो पहली ऐसी सास बहू टाइप शो थी जो फीमेल ऑडियंस पे एकदम फोकस था. फीमेल ऑडियंस हमारे इस देश में बहुत टीवी देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑडियंस है, और शोज़ ज़्यादातर उनके लिए बनते हैं. लेकिन उनकी भी सोच को थोड़ा चेंज करना, उनको नई चीज़ दिखाना, आई थिंक ये एक अटेम्प्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट का. और ये भी रिस्क स्टार प्लस ही ले रहा है, तो एक अच्छा ही बहुत डेयरिंग बात है. और अगर आपके रिएक्शन देखा जाए कि आप प्रेस वाले हैं, आपके थ्रू लोगों तक बात पहुंचती है. मैंने देखा है कि ज़्यादातर मीडिया के लोग बहुत इम्प्रेस हुए ट्रेलर्स को देख के, स्टोरीज़ को देख के, कॉन्सेप्ट के बारे में सुन के. तो मेरे ख्याल से ये एक्साइटमेंट जो आपको हो रहा है, आगे ऑडियंस के पास जाएगी, वो एक्साइटेड हो जाएंगे शो के बारे में, और फिर हमारे लिए तो अच्छा ही होगा. हम चाहते हैं कि ये ट्रेंड हो जाए, ये शो पॉपुलर हो जाए. ओके, पूरब, कई बार ऐसा होता है कि बड़ी फिल्मों की अगर मैं बात करूँ, या मैं छोटे छोटे पर्दे की बात करूँ, कुछ किरदार अमर हो जाते हैं. जब मैं सर्कस किया, मैं शाहरुख की बात करूँ, क्या आपको इस बात की एक फील है कि वो लार्जर देन लाइफ हो गए? हालांकि छोटे पर्दे पर किया गया, लेकिन वो किरदार अमर हो जाते हैं. 18 साल पहले मैंने एक शो किया था हिबे पूरे नाम का, आज तक मुझे लोग मज़र बुलाते हैं. और मेरे ख्याल से ये शो के बाद लोग अब मुझे सरताज बुलाएंगे. उस शो और इस शो के बीच में मैंने बहुत सारे फिल्में किए, उसमें शायद दो नाम टिके हुए, एक मुन्ना था आवारापन से, और दूसरा केडी जो रॉक ऑन का है, और शायद इब्राहिम जो अभी एयरलिफ्ट में आपने अगर देखी होगी तो उसमें निभाया है इब्राहिम का कैरेक्टर, वो भी थोड़ा पॉपुलर हो गया था. लेकिन जब एक शो किसी के घर पे जाता है रोज़, तो डेफिनेटली लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस कैरेक्टर को. पसंद करें तो अमर हो जाएगा वो कैरेक्टर, लार्जर देन लाइफ हो जाएगा, और वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर रोज़ आपके साथ डिनर टाइम पर आपके टेबल पर बैठ के खाना खाएगा, तो मतलब लोग के दिमाग में हो रह जाती है बात. कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि निखिल के साथ आप बहुत काम कर चुके हैं, खास बॉन्डिंग भी शेयर करते हैं निखिल अडवाणी के साथ, कैसा एक्सपीरियंस रहा साथ काम करने का? और एक अलग उनके लिए भी एक चैलेंज होगा, यकीन है, यू नो, छोटे पर्दे के लिए कुछ करना. बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स टू ऑन ग्रैंड लेवल, यू नो. फिल्म का फील आता है जब आप टीजर देखें, आप प्रोमो देखें, इतना प्रॉमिसिंग लगता है सब कुछ. शुरुआत में तो मुझे खुद को भी लगा था कि शायद कोई फिल्म आएगी. एक तो बात आपने बिल्कुल सही की कि एक फिल्म डायरेक्टर जब एक टीवी शो को हाथ में लेते तो उसे एक फिल्म जैसे ही प्रेजेंट करते. और निखिल के लिए बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो कुछ फ़र्क नहीं देखते हैं शूटिंग के स्टाइल में, जिस तरह से वो पिक्चर बनाते. मैंने वैसे काम नहीं किया उनके साथ पिक्चर पे, टीवी पे ही काम किया, लेकिन मैं यकीन के कह सकता हूँ कि वही इतना जितना डिटर्मिनेशन, जितना इंटरेस्ट, जितना कॉन्सेंट्रेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस यूनिट को, इस शो को हैंडल करते हैं. हम सारे एक्टर्स, सारे टेक्नीशियन, सारे क्रू जो इस शो पे काम करते हैं, को इंस्पायर करते हैं रोज़, एवरी डे. अगर आप हमारे सेट के में आएँ 10 और 11 के बीच में, निखिल अडवाणी की आवाज़ गूंजती है उसमें. और दोनों सेट पे, हमारा ए यूनिट चलता है, बी यूनिट चलता है, तो दोनों बाजू साइड बाय साइड है, और उनकी आवाज़ से पता चलता है कि भाई इंजन स्टार्ट हो रही है आज. तो ही चार्जेस अप एवरी डे, हमें एक ट्रैक पे रखते हैं, और हमें कभी फील नहीं कर लेते कि 100 दिन निकल गए. भाई वही एनर्जी से काम कराते हैं, वही एनर्जी हम में डालते हैं,
और इसका जो रिज़ल्ट है, हम भी जब एपिसोड्स देखते हैं एडिट रूम में जाके देखते हैं कि भाई 40 में, एपिसोड 40 में मैंने ये थोड़ा सा एक्शन सीक्वेंस किया है, कैसा लग रहा है, जब जाके देखते मतलब वाओ, ये तो पिक्चर ही लग रहा है।